नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज मैं आपको बताने वाला हूं TDL के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा TDL होता क्या है, इसे डाउनलोड कहां से किया जाता है और साथ ही इसे आप अपनी टेली प्राइम के अंदर ऐड किस तरह से कर सकते हैं। TDL की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है टेली डेफिनेशन लैंग्वेज और इसका यूज किया जाता है टैली के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड करने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आप टैली का कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और टैली आपको जो भी फीचर्स आपको देता है, चाहे वो वाउचर्स हो, चाहे वो लेजर्स हो, चाहे वो अल्ट्रा का फीचर हो, ये सभी फीचर टैली आपको बाय डिफॉल्ट देता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई एक्स्ट्रा फीचर अपनी टैली के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर आपको TDL फाइल का यूज करना पड़ेगा। TDL बेसिकली एक तरह की कोडिंग होती है जिसको आप अपनी टैली के अंदर ऐड करते हैं और आपकी टैली प्राइम के अंदर या आपकी टैली के अंदर वो फीचर ऐड हो जाता है। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूं। यहां पर आप चले जाइए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स के अंदर और यहां पर आप देखेंगे आपके सामने एक फीचर है रिसाइकल बीन का। तो ये रिसाइकल बीन का जो फीचर है वो टैली के अंदर हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। अगर आप सिंपल टैली को इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलता। अब ये बेसिकली क्या काम करता है मैं इसका प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा एक TDL मैं आपको और दिखा देता हूं। आप वाउचर्स में चले जाइए और यहां पर आप प्रेस करिए F8 यानी सेल वाउचर ओपन करिए। सेल वाउचर जब आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आप देखिए इसका जो लुक है बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पर आप देखेंगे आपका MRP, क्वांटिटी, रेट पर पीस के हिसाब से और अमाउंट, ये सब कुछ शो कर रहा है। ये बेसिकली एक फार्मा सेल वाउचर है जिसका आप यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है इनवॉइस CFG का। इस TDL को हमने ऐड किया है जिसके साथ हमें इनवॉइस CFG भी मिलता है और साथ के साथ ये पूरा का पूरा सेल वाउचर भी हमें मिलता है। तो मैं इन दोनों को आपको पहले यूज करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसे किस तरह से अपने टैली प्राइम के अंदर ऐड कर सकते हैं और किस तरह से आप इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका यूज दिखा देता हूँ, TDL का यूज दिखा देता हूँ कि मान लीजिए आपकी कोई फार्मा कंपनी है और फार्मा कंपनी के अंदर आप किसी मेडिसिन को सेल करना चाह रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पर उसकी एंट्री किस तरह से पास करेंगे। यहाँ पर देखिए सेल अकाउंट है, यहाँ पर आपके सामने डॉक्टर्स नजर आ रहा है तो यहाँ पर आप हमने पहले से ही डॉक्टर बना रखा है, इसको आप यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से हम जिसको सेल कर रहे हैं उस पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप एंटर करके इसे पास करा दीजिए, पास करने के बाद यहाँ पर सेल ले लीजिए और यहाँ पर आपका जो भी आइटम है, मान लीजिए हमने बना रखा है सेप्ट्रॉन की क्वांटिटी कितनी है, मान लीजिए 10 पीस ले लिया हमने और उसका टोटल अमाउंट हमारे सामने यहाँ पर शो हो गया। यहाँ पर नेगेटिव स्टॉक आ रहा है क्योंकि हमारे पास ये आइटम है नहीं, हम इसको एंटर करके सेव करा देते हैं। सेव कराने के बाद यहाँ पर आप चाहें तो अपना टैक्सेशन भी यूज कर सकते हैं, तो टैक्सेशन भी हमारा यूज हो गया। इसके बाद हम इसे एंटर करके सेव करा देते हैं। यहाँ पर न्यू रेफरेंस में डाल करके आप इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अगर आप इसकी एंट्री देखना चाहें तो इसके आप करके एक बार आप पीछे चले जाइए, दो बार डी दबा दीजिए, अपने डेबुक में आ जाइए और यहाँ से आने के बाद हम सेल की जो भी एंट्री है उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी एंट्री देख लेते हैं। तो हमारी जो एंट्री थी वो 1344 रुपए के आसपास की थी, इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपका एंट्री यहाँ पर शो हो गई। अगर आप इसका प्रिंट देखना चाहें तो ऑल्ट पी करिए, करंट पे जाके एंटर प्रेस करिए और यहाँ से प्रीव्यू पे जाकर के एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो इनवॉइस है बिल्कुल डिफरेंट है, एक फार्मा कंपनी के तरीके से आपको ये इनवॉइस जनरेट करके दे रहा है। इसके अलावा अगर आप इसमें एक्स्ट्रा चीजों को ऐड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देखेंगे ये जो कॉलम है HSN नंबर का, प्राइमरी बैच का, या इसमें और भी कॉलम्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं अपने हिसाब से तो ये चीज़ आप कहाँ से ऐड करेंगे, इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर इनवॉइस CFG का एक ऑप्शन है। जिस चीज़ को आप यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे उस चीज़ को आप यहाँ पे यस कर देंगे, उतने कॉलम्स आपके वहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से जो हमारा वाउचर था ये फार्मा के लिए था। हमारे जो सिंपल वाउचर होता है वो मैं आपको दिखा दूंगा जब मैं इसे अनइंस्टॉल करूंगा, यानी इसे इस TDL को यहाँ से रिमूव करूंगा तो ये बिल्कुल पिछले जैसा हो जाएगा जैसे हमें नॉर्मल टैली देती है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ रिसाइकल बीन वाला हमारा जो TDL है वो क्या काम करता है। तो यहाँ पर चले जाते हैं, सबसे पहले हम डेबुक ओपन कर लेते हैं अपनी। डेबुक के अंदर से मान लीजिए मैं किसी एंट्री को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मैंने ऑल्ट डी प्रेस किया अपने कीबोर्ड से और अब आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने एक वार्निंग आ गई, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू मूव टू रिसाइकल बीन, यानी आप श्योर हो कि ये डेटा रिसाइकल बीन में मूव करना चाहते हो। बेसिकली अगर हम ऑल्ट डी करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर होता क्या है, हमारी एंट्री सीधे डिलीट हो जाती है और उसे हम वापस रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन रिसाइकल बीन एक ऐसा फीचर है जो हमने एक्स्ट्रा TDL यहाँ पे ऐड किया है जो क्या काम करेगा, हमारी इस एंट्री को वापस दे देगा। कैसे, मैं पहले एक बार इसको डिलीट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने एंटर प्रेस किया, अब ये एंट्री हमारी यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अब स्कैप करके आप पीछे आ जाइए, पीछे आने के बाद डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स के अंदर चले जाइए, यहाँ से आपको लेना होगा रिसाइकल बीन। रिसाइकल बीन लेने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका ये जो
डिलीट आइटम था वो यहाँ पर शो हो गया, यानी डिलीटेड एंट्री जो थी वो आपकी यहाँ पर शो हो गई। अब इसको वापस अगर मुझे रिस्टोर करना है तो इसे रिस्टोर करने के लिए हमें करना क्या होगा, इसको एक बार एंटर प्रेस करना होगा। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने यहाँ दिखा देगा डिलीटेड वाउचर, यानी पहले से ये डिलीटेड वाउचर है, इसका स्टेटस क्या है, ये डिलीट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक नोटिफिकेशन आपके पास आ रही है, प्रेस एंटर टू रिस्टोर दिस वाउचर फ्रॉम रिसाइकल बिन, यानी अगर आप यहाँ पर एक बार एंटर प्रेस कर देते हैं तो आपका ये जो वाउचर है वो वापस रिस्टोर हो जाएगा आपके डे बुक के अंदर। तो हम यहाँ पर एक बार एंटर प्रेस करके देख लेते हैं, हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब हमारा ये जो यहाँ पर एंट्री थी वो यहाँ से मूव हो चुकी है, वो कहाँ चली गई है, स्कैप करके पीछे आ जाइए, डे बुक में चले जाइए। डे बुक में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपकी वो एंट्री शो हो गई है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शनल लिखा हुआ है, यानी अभी पूरी तरह से हमारी ये जो एंट्री है वो अभी यहाँ पर ऐड नहीं हुई है। तो इसको पूरी तरीके से ऐड करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन है आपका रेगुलर, यानी इसका जो अभी स्टेटस है वो ऑप्शनल है। अगर आप इसे रेगुलर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आकर के क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपकी जो एंट्री थी वो ऑप्शनल से हट गई है, अब ये रेगुलर हो चुकी है। और उसके बाद इसे कंट्रोल ए कर दीजिए, यानी सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप देखेंगे आपकी एंट्री यहाँ पर वापस आ चुकी है। तो ये थी हमारी TDL फाइल जिसकी मदद से हम रिसाइकल बीन को हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप बहुत सारे फीचर्स को ऐड कर सकते हैं TDL की मदद से। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो TDL फाइल है वो आपको कहाँ से मिलती है, आप किसी TDL को रिमूव कैसे कर सकते हैं, यानी अपनी TDL को टैली में से हटा कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने दो TDLs ऐड किए हैं मैं इसको आपको हटा करके दिखा देता हूँ। आप जाएंगे यहाँ पर F1 ऑप्शन पे हेल्प के ऊपर, और यहाँ से आप जाएंगे TDL एंड एड ऑन्स के ऊपर। एड ऑन्स के ऊपर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमने 3 TDLs ऐड किए हुए हैं। तो अगर मैं इनको यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, और अगर आप इसको रिमूव नहीं करना चाहते और ये भी नहीं चाहते आप कि आप इसका यूज भी नहीं करना चाहते अभी कुछ समय के लिए, तो यहाँ पर हमें टेलीप्राइम एक बहुत बेहतरीन फीचर देता है कि हम इसे यहाँ पर अनेबल भी कर सकते हैं और इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। लेकिन टैली ERP 9 के अंदर ये फीचर नहीं था, उसमें बेसिकली आपको उसका पाथ चेंज करना पड़ता था या तो उसको उसके पाथ को यहाँ से डिलीट करना पड़ता था। तो यहाँ पर अगर आप जाके एड ऑन्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर अगर आप किसी चीज़ को यानी रिसाइकल बिन को अगर हम यहाँ पर नो कर देते हैं तो ये ऑप्शन हमारा काम नहीं करेगा। जैसे मैं एक्टिवेशन इनवॉइस टू केमिस्ट वाले को भी नो कर देता हूँ, नो करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ, और अब अगर मैं इसको जा करके अपने डिस्प्ले के अंदर जा करके चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे रिसाइकल बिन आपका हाइड हो गया। अगर आप चाहते हैं रिसाइकल बिन यहाँ से प्रॉपरली हट जाए, आपको रिसाइकल बिन का यूज़ नहीं करना है, तो आप इसे किस तरह से कर सकते हैं मैं ये भी आपको बता देता हूँ। आप वापस जाएंगे अपने हेल्प के अंदर और वापस सेलेक्ट करेंगे TDS एंड एडऑन्स को वापस सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका मैनेज लोकल TDL, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर कर देंगे इसे एंड ऑफ लिस्ट। इस तरीके से आप इसको भी हटा सकते हैं, इसी तरीके से हम रिसाइकल बिन को भी हटा दे रहे हैं और इसी तरीके से हम इस केमिस्ट वाले ऑप्शन को भी हटा दे रहे हैं। तो एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद हम इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास कोई भी TDL स्टेटस शो नहीं हो रहा है। आप स्कैप करके एक बार पीछे आइए, वापस डिस्प्ले के अंदर जाइए, और अब आप देखेंगे यहाँ से आपका रिसाइकल बिन गायब हो चुका है। इसी तरीके से वाउचर्स में जाके चेक करिए, F8 प्रेस करिए। F8 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपका सिंपल सेल वाउचर आ गया जो टैली हमें नॉर्मली प्रोवाइड करता है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप TDL को किस तरीके से अपनी टैली प्राइम के अंदर ऐड कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं और उसको साथ के साथ किस तरीके से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं TDS को आपको डाउनलोड करना बताता हूँ कि आप टैली में TDL को डाउनलोड किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका जो आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट होना चाहिए, नेट ऑन होना चाहिए। नेट कनेक्ट होने के बाद आपको जाना है अपने हेल्प वाले ऑप्शंस पे, और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा टैली शॉप का। जब आप टैली शॉप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका एक ब्राउजर ओपन हो जाएगा और उसी ब्राउजर के अंदर हमें TDLs दिखाई देंगे। तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा समय लग रहा है, हम इसे ओपन होने देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारी TDL फाइल शो हो रही है। अब जैसे मान लीजिए आपको जो भी TDL फाइल चाहिए आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं यहाँ पर जितनी भी TDL फाइल हैं उनके कुछ प्राइस हैं जिनको आपको परचेज करना होगा। अगर आप एजुकेशनल मोड पे इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें से कुछ TDL आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं ट्रायल वर्जन पर इसको यूज़ करने के लिए। बाकी कुछ TDLs ऐसे होते हैं जिनको आपको परचेज करना ही पड़ेगा तभी वो वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैं आपको रिसाइकल बिन वाला TDL वापस ढूंढ के दिखा देता हूँ। यहाँ पर सर्च में चले जाइए और यहाँ टाइप कर दीजिए रिसाइकल बिन,
और एंटर प्रेस करने के बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर रिसाइकल बिन का हमारा टीडीएल शो हो गया। इसकी जो कॉस्ट यहाँ पर दिखा रहा है 283 रुपीज दिखा रहा है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे टीडीएल की, इस टीडीएल की पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ पर आप देखेंगे अगर इस टीडीएल को आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, तो जैसे आप यहाँ पर डाउनलोड मैनुअल पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो उस फाइल को डाउनलोड होने देते हैं। इस फाइल को डाउनलोड होने के बाद आप इस फाइल को ओपन करके देखिए कि आप इस टीडीएल का आप यूज किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया हुआ होगा और उसके बाद आप इसको एजुकेशनल मोड पे डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसको दिखा देता हूं कि आप इस टीडीएल फाइल का किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसका मैनुअल क्या है और इसको किस तरीके से यूज करना चाहिए। तो चलिए इसको ओपन होने देते हैं, इसमें भी थोड़ा सा समय लग सकता है। अब आप देखेंगे हमारे सामने उसकी फाइल ओपन हो चुकी है। हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इस टीडीएल की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। आपको टीडीएल को किस तरीके से डाउनलोड करना है, यहाँ पर आप देखेंगे इसे किस तरीके से आप ऐड करेंगे, उसका पूरा स्टेप आपके सामने लिखा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे टीडीएल का यूज किस तरीके से किया जाता है, वो भी उसका भी मैनुअल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके बारे में आपकी इस पूरी डिटेल आपको टीडीएल के बारे में यहाँ पे दे दी जाएगी कि इसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी टीडीएल की फाइल आपको एक तरीके से मदद करेगी इस टीडीएल को यूज करने के लिए। तो हम इसको फिलहाल कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद अब मैं आपको बताता हूं कि इस टीडीएल को आप एजुकेशनल मोड के लिए किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन है ट्राई इन एजुकेशनल मोड। आपको इस वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ही आपका ये टीडीएल जो होगा वो बेसिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो हम इस पर एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ गया डाउनलोड्स का। इस डाउनलोड पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी वो टीडीएल फाइल यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो टीडीएल फाइल है यहाँ पर हमारे सामने बेसिकली डाउनलोड हो चुकी है, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले साइन इन करना पड़ेगा, यानी अपनी जीमेल आईडी से इसको एक बार लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने पहले से इसे लॉगिन किया हुआ है, इसलिए इसने हमसे लॉगिन करने के लिए नहीं पूछा। जब आप इसे फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे यानी जब भी डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहले एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी, अपना पासवर्ड डालना होगा और उसके बाद लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद ही आप कोई टीडीएल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा ये रिसाइकल बिन का जो टीडीएल था वो डाउनलोड हो चुका है। और इसके बाद हम चले जाते हैं डाउनलोड्स के अंदर। डाउनलोड्स के अंदर जाने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो टीडीएल फाइल है वो कहाँ पर डाउनलोड हुई है। तो यहाँ से चले जाते हैं माई कंप्यूटर के अंदर और यहाँ से चले जाते हैं हम लोग सीधे डाउनलोड्स के अंदर। डाउनलोड्स के अंदर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे रिसाइकल बिन की जो फाइल थी वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। हमने पहले से भी बहुत सारी रिसाइकल बिन्स की जो फाइल्स होती हैं उनको डाउनलोड करके रखा हुआ है। और यहाँ पर इसका मैनुअल भी आप देखेंगे, मैनुअल भी डाउनलोड है। इसी तरीके से आप जो भी टीडीएल डाउनलोड करना चाहें उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस टीडीएल को किस तरीके से अपनी टैली प्राइम के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इस टीडीएल फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको यहाँ से जाना होगा सिक्योरिटी के ऊपर। सिक्योरिटी में जाने के बाद आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर फाइल का पाथ शो हो जाएगा। आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और इस पूरे के पूरे पाथ को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं या फिर कंट्रोल सी का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे ओके करके सेव कर दीजिए और यहाँ से चले जाइए अपनी टैली के अंदर। टैली में जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना होगा हेल्प वाले ऑप्शन पे और यहाँ से आपको जाना होगा टीडीएल एंड एडऑन्स के अंदर। एडवांस के अंदर जाने के बाद अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने शो होगा मैनेज लोकल टीडीएल, आपको इसको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन होगा आपका लोड सेलेक्टेड टीडीएल फाइल ऑन स्टार्टअप, इसको आपको यस करना होगा। अगर आपके सिस्टम में ये नो होगा तो आपको इसे यस कराना होगा। यस करने के बाद आपको यहाँ पर जो हमने वो पाथ कॉपी किया था इसको हम यहाँ पर अपने स्पेसिफाई पाथ पे क्लिक करके इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जैसे मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आपको इसे यस रहने देना है और उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आप चाहें तो आप यहाँ से सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव यहाँ पे क्लिक करके अपने ड्राइव्स को यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप पाथ कॉपी नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से भी अपनी फाइल को ढूंढ करके उसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस टीडीएल को ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद सिंपली एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारा ये जो
TDL फाइल थी वो लोड हो चुकी है, यानी अभी वर्किंग में नहीं है, अभी सिर्फ ये लोड हुई है। अब इसे हमें एक्टिवेट करना होगा, तो एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास एक फीचर है, या तो आप F6 प्रेस कर सकते हैं या फिर आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जाना होगा एड ऑन फीचर्स के अंदर। एड ऑन फीचर्स के अंदर आप देखेंगे रिसाइकल बिन अभी आपका नो है, यानी कि अनेबल नहीं है, इसको आपको यहाँ पर अनेबल करना होगा। इसे आप यस करेंगे, यस करने के बाद हमारा जो रिसाइकल बिन था वो यहाँ पर वर्किंग में आ चुका है। मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ, आप स्कैप करके एक बार पीछे चले जाइए। पीछे जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे डिस्प्ले के अंदर, डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद यहाँ पर रिसाइकल बिन का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो फाइल थी वो आपकी यहाँ पर शो अप हो चुकी है। तो ये था हमारा TDL के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।